एक तरफा इश्क के जुनून में हुई थी छात्रा की हत्या। इश्क में नाकाम युवक ने किया मानवी का मर्डर। एसपी देहात सागर जैन ने किया घटना का खुलासा। सहारनपुर के गंगों में मानवी तोमर की गला काट कर की गई हत्या के मामले में परिवार ने सागर नाम के युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सीसीटीवी कैमरे में भी सागर की लड़की के साथ विवाद होने की फुटेज सामने आई थी। सागर उसे लगातार प्रपोज कर रहा था, लड़की नहीं मानी तो उसने लड़की का गला रेत दिया। बताया गया कि छात्रा मानवी तोमर को आरोपी सागर लगातार परेशान कर रहा था। छात्रा ने अपने परिजनों को इसके बारे में शिकायत की थी। परिजनों ने कई बार आरोपी को समझाया कि ऐसा ना करे, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी की पहले छात्रा के साथ कहासुनी हुई, उसके बाद मारपीट भी की। इसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। जिस तरीके से दिन दहाड़े आबादी के बीच जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे लग रहा है कि आरोपी पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया था। जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो हत्याकांड से कुछ देर पहले आरोपी युवक वहां पर नजर आया था। जी कल 22 मई को थाना गंगो पर एक कस्बा गंगो के जो बाईपास रोड है वहां पर एक खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक 20-21 वर्षीय युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल गंगो पुलिस द्वारा एवं फॉरेंसिक यूनिट एसएसपी महोदय द्वारा एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहां पर घटना स्थल से पर्याप्त साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। वहां पर टीम्स का गठन किया गया। वहां पे आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं और जो भी सर्विलांस की मदद इसमें ली गई, इसमें जानकारी पे यह पाया गया कि ये जो युवती है, जो मृतका है, ये ग्राम बीतिया थाना कुतुब शेर की रहने वाली है और जो कि एक आईपीएस कॉलेज है गंगो में, वहां पर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 4th सेमेस्टर में पढ़ती थी। जब ये यहाँ पर तीतरों में अप डाउन करती थी, जब ये वहां से उस दिन आई तो हमने सीसीटीवी के माध्यम से भी देखा और वादी की लिखित तहरीर में भी उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त जिसका नाम सागर, जो कि थाना क्षेत्र मुंडाली का रहने वाला जनपद मेरठ, वो इससे पिछले कुछ वर्षों से बातचीत करता था और जब जो मृतका ने इससे बातचीत करना बंद कर दिया था तो वो इससे बीच में कई बार इससे झगड़ा भी किया उसने, और इसी रंजिश को लेते हुए उस दिन उसने मृतका को उस दिन सुबह सुबह बुलाया एवं उनका झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर। और उसका ये पूछताछ में भी बताया अभियुक्त ने कि वो उसे शक था कि वो किसी और लड़के से बातचीत कर रही थी। इसी रंजिश को लेकर उसने उस दिन उसका जो है चाकू मारकर उसके गले पर रेत कर उसकी हत्या कर दी। दोनों जो इसमें सीसीटीवी के भी माध्यम से हमने साक्ष्य संकलन किए हैं एवं जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर जो उसने चाकू और मृतका का मोबाइल का मौके से जो ले गया था वो एक बाग में जो छुपाया था कस्बा गंगो से, उसे भी हमने रिकवर किया है। और आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और जो भी इसमें और भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है की जा रही है और शीघ्र ही इसमें इसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाएगी एवं प्रभावी पैरवी करके इसको सजा भी दिलवाई जाएगी। जी नहीं, इसमें दुष्कर्म की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है अब तक। और इसमें यही बताया कि इसको काफी समय से, ये 3-4 साल से इससे परिचित था और जो अभियुक्त था इसकी पिछले 1-1.5 साल पहले शादी भी हो गई थी। जब मृतका को पता लगा कि ये शादीशुदा है तो धीरे धीरे इससे बातचीत करना उसने कम कर दिया था और जो अभियुक्त है उसे शक था कि ये किसी और लड़के से बातचीत कर रही है, इसी वजह से उनकी कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के चलते उसने एंगर में आकर, रोष में आकर यह सुबह उसको बुलाया और सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की है। और जो चाकू है और मृतका का मोबाइल वो एक बाग में जाकर छुपा दिया है, उसने आज ये जाकर हमें बरामद भी कराया है और आज इसे गिरफ्तार कर मान्य किया। हत्याकांड का क्या किसी और कमी? जी नहीं, के लोगों ने आरोप 4-5 लगाया। जी परिजनों की तहरीर पर जो एक अभियुक्त के विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी थी उसी के विरुद्ध हमने अभियुक्त पंजीकृत किया है। इसमें सीसीटीवी की मदद से भी देखा जा रहा है कि वो अकेला ही उससे लेकर जो है साथ चला है और लास्ट कॉलिंग्स भी हमने देखी है जो कि, और सर्विलांस की मदद ली है, उसमें और किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ ये अभियुक्त का अभी तक इसमें हाथ था। जी इनका जो जनपद कैराना में दोनों के ननिहाल जो है एक साथ ही आसपास पड़ते हैं तो इनकी 3-4 साल से जो है इनका मिलना जुलना रहा है
और एक कोई पक्की रिश्तेदारी नहीं थी, बट एक दूसरे के ये क्योंकि दोनों सेम ही समाज से आते हैं तो इनको एक दूसरे के परिचित हैं। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।